सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और नए कराची वाले के साथ हाजिर खिदमत। बहुत सारी बातें होती हैं मुल्क की तरक्की के हवाले से, मुल्क के मामलात और मसाइल के हवाले से, लेकिन जो दुनिया में एक असूल है, जो एक ज़ाबता है, वो यही है कि वही कौमें तरक्की करती हैं जिनका मेयार तालीम और निज़ाम तालीम बेहतरीन। वो कौमें जो तालीम पर तवज्जो देती हैं, तालीम पर अपना वक्त अपना सरमाया लगाती हैं, वही कौमें तरक्की करती हैं। दुनिया ने यही देखा, तारीख भी इसी बात की गवाह है। इसी मौजू पे आज गुफ्तगू भी करेंगे, ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे जिनका ताल्लुक है शोबा दर्स व तदरीस से। एक तवील अरसे से वाबस्तगी है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि एक उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तो कुछ गलत ना होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे ओहदों पे काम करते रहे हैं और इस कराची शहर की सबसे बड़ी जामे के इस वक्त एक्टिंग वाइस चांसलर हैं और इस जामे कराची के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं। डीन ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, बहुत सारे काम भी किए हैं, स्टूडेंट एडवाइज़र भी रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं। अगर इब्तदा में ही सारी बता दूंगी तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा सेगमेंट हमारा निकल जाएगा। आप सब पहचान गए होंगे कि मैं किस शख्सियत की बात कर रही हूँ। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मसरूफियत है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आई थिंक जिम्मेदारी ज़रूर है, मगर मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी जब आप डिलीवरी करते हैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन होती है। ठीक, तो मैं समझता हूँ आई एम सेटिस्फाइड जो काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप उसमें मुतमईन हैं। बहुत एक तो ये कि जब इंसान एक्टिंग किसी भी पोस्ट पे आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें करने का दिल चाहता है, लेकिन कानूनी तौर पर उस हैसियत पर नहीं होते कि कर पाऊँ, लेकिन मैं फिर भी वो बहुत सारे सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी जो आप चाहते हैं कि इस इदारे के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए जो बेहतरी आप चाहते हैं। यकीनन आपके जहन में, आप बहुत बड़े बड़े ओहदों पे भी रहे हैं, कोई ना कोई ऐसे प्लान्स होंगे, क्योंकि जब एक शख्स एक इदारे से वाबस्ता होता है तो उसके पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं। क्या समझते हैं कि प्रायोरिटी तरजीहात क्या होनी चाहिए इस इदारे की तरक्की के लिए? देखिए, तरजीहात में सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में हमारी पॉलिसी तालिब इल्मों के हवाले से होनी चाहिए। ठीक, कि हम वो पॉलिसी बनाएं जिसके तहत तालिब इल्म बेहतर माहौल में तालीम हासिल कर सके। ठीक है, और इसके साथ साथ तदरीसी हवाले से भी हमारी तदरीस बेहतर हो और क्वालिटी रिसर्च करें ताकि हम कराची यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में इजाफा कर सकें। ठीक है, अच्छा, क्योंकि आप इसी इदारे से, इसी जामिया से फारिग तहसील हैं, आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स भी यहीं से किया पॉलिटिकल साइंस में, पीएचडी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर लेक्चर, मतलब आप बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं। जो सारे मराहिल होते हैं, सारे ओहदे होते हैं तालिबे इल्मी से लेके और उस्ताद की हैसियत से, और फिर बहुत सारे ऐसे अमूर भी अंजाम दिए हैं जो इंतज़ामी होते हैं, कहाँ पे गलती नज़र आती है कि मामलात यहाँ पे गलत हैं या ये बुनियाद गलत है इसलिए ये तमाम मसाइल पैदा होते हैं? मसाइल जब भी सामने आए तो फैसले बहादुरी के साथ करने चाहिए। ठीक, जब आप फैसले नहीं करते तो मसाइल के अंबार लग जाते हैं। ठीक, तो इंतज़ामी तौर पर मैनेजमेंट में मैंने यही सीखी है। ठीक है, कि आप फैसले करें और फैसले भी कर लें। ठीक है।
सख्त और वीक फैसले नहीं होते। नहीं, प्रेशर होता है ना, एक चीज होती है कि कोई फैसला ऐसा है जो सिस्टम, चाहे वो सिस्टम गलत हो, उस सिस्टम का प्रेशर आपके ऊपर होता है और आप ना चाहते हुए भी समटाइम्स उस सिस्टम के अंदर ही आ जाते हैं। मैं बुनियादी तौर पे प्रेशर नहीं लेता, नहीं लेता। मैं समझता हूँ कि फैसले अगर रैशनल हैं तो सामने के लोग समझ सकते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इस 3 महीने के अंदर जो भी हमने फैसले किए बगैर प्रेशर के किए, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने कामयाबी दी और लोगों ने कहा और इन फैसलों को माना भी, क्योंकि ये फैसले रैशनल हैं और इस यूनिवर्सिटी की तरक्की के। ठीक है, ये तो बात हो गई डॉक्टर खालिद इराकी साहब। डॉक्टर बनने से पहले आम इंसान होंगे, जरा सा पीछे बचपन की तरफ जाएं। बचपन में भी फैसले इसी तरह करते थे, डट गए तो डट गए। बचपन में तो फैसले के इख्तियारात नहीं होते, शरारती थे। जिद्दी तो नहीं था, मगर मैं काफी एक्टिव था। अच्छा, और आजकल के बच्चों से मुख्तलिफ। अच्छा, वो किस तरह? इस तरीके से बच्चे अब बाहर नहीं निकलते, ग्राउंड्स के अंदर नजर नहीं आते, मुख्तलिफ एक्टिविटीज नहीं करते, गैजेट्स में ज्यादा बिजी होते हैं। मुझे याद है कि जब मैं 7वीं-8वीं जमात का तालिब इल्म था तो मैं तकरीबन 18 घंटे स्पोर्ट्स करता था। और फैसिलिटी ना होने के बावजूद भी मैंने स्क्वाश खेला, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, तो नेम एनी गेम, सारा दिन ग्राउंड के अंदर होते थे। तो वो हेल्दी एक्टिविटी है जिसमें हम बाहर रह के चीजें भी आप बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो शरारतें भी करते होंगे? यकीन। कोई यादगार शरारत थी? मुझे याद है कि वो एक क्लास में जब पढ़ रहा था तो कोई मैंने ऐसे रिमार्क्स पास किए होंगे, तो जो सामने उस्ताद थे उन्होंने वो बात पसंद नहीं की, तो सब मुड़ के देखने लगे कि पीछे किसकी आवाज आई। आखिरी मैं था, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दीवार। अच्छा, वो आप ही साबित हो गया। अच्छा, तैमूरिया स्कूल से आपने, पब्लिक स्कूल से मैट्रिक वहाँ से किया आपने, और शिप ऑनर कॉलेज से आपने बाद में इंटरमीडिएट फिर कराची यूनिवर्सिटी का सफर शुरू हुआ। तो बचपन तो आपका गुजरा थोड़ा सा हंसते बोलते, कितने बहन भाई? 4 भाई हैं, ठीक है, एक बहन। नंबर आपको कौन सा? तीसरा नंबर। दो भाई बड़े? बड़ी मेरी बहन बड़ी है, ठीक है, उसके बाद मेरे भाई हैं, ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं। तो किससे ज्यादा दोस्ती थी बहन भाइयों में? राजदार बहन भाई कौन? छोटे भाइयों से राज उन्हीं के साथ। जी, अब्बा को ना पता चले बाहर झगड़ा करके आए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। ये सारे सीक्रेट्स वही शेयर होते थे, उनकी गलतियां मैं छुपाता था, वो मेरी गलतियां। सही। तो बाद में ब्लैकमेल करते थे? नहीं, कभी ऐसा नहीं। भाई ये खिला दो, बता दे, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ज्यादा इन्फ्लुएंस घर में फैमिली में किसका था, फादर का या किसका ज्यादा, आपकी जात के? मदर का। मैंने बहुत सारे काम किए अपनी वालदा की खुशी के लिए, उनकी मर्जी के लिए, और मुझे आज मेरी वालदा हयात नहीं है, मगर मुझे ये फख्र की बात है कि जब हम फैमिली में कभी बैठते थे तो मेरी वालदा इस चीज़ को रिकग्नाइज करती थी कि मेरे हवाले से वो हमेशा पॉजिटिव बात करती थी। ठीक, ठीक है। अच्छा, बचपन गुजरता है तो फिर आती है जवानी। वो कहते हैं बहुत सी बातें होती हैं, जवानी दीवानी भी होती है। आप कैसे थे जवानी में? मैंने कहा कि हम ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होते, ठीक है, और फिर तालीम की तरफ बढ़ते। अच्छा, क्योंकि माली तौर पे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मुझे याद है कि मैट्रिक के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि मैं अपने तालीमी खर्चे लगा सकूं। ठीक है, जवानी वैसे इतनी सादा होती नहीं जितनी आप बता रहे हैं। हम एक वक्फा लेंगे और डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जवानी इतनी सादगी से तो नहीं गुजर सकती, यकीनन उसमें कुछ रंग जरूर होते हैं, एक वक्फे के बाद। फिलॉसफी पे मैं एग्री नहीं करता। बता दें सर, अब तो कोई मसला नहीं। उसका ताल्लुक दिल से भी होता है, दिमाग से, दिल से भी होता है, दिमाग से भी होता है। तस्दीक करेंगे हम। Thank you.
خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب, اور بات ہو رہی تھی کچھ بچپن سے جوانی کے سفر کی. اچھا, جوانی آپ کہہ رہے ہیں بہت سادگی میں گزری, کوئی ایسی خواہش, کوئی پسند آیا ہو زندگی کے حوالے سے؟ ہمارے کلاس فیلوز کے ساتھ بہت وقت گزرا. اچھا, اور زیادہ ہم اسٹڈیز کے اوپر یا ویسے آؤٹ ڈور وزٹ کر لیتے تھے, تو دوستوں میں زیادہ اچھا کبھی کوئی اچھا نہیں لگا, کبھی سوچا ہی نہیں. سوچا نہیں, ویسے اس کا معاملہ سوچتے ہوتا نہیں لوگ, سر دل کو کوئی بھایا نہیں اس فلسفی پہ میں اگری نہیں کرتا. بتا دیں سر, اب اب تو کوئی مسئلہ نہیں, اگری نہیں کرتے. اچھا, ایسا ہونا نہیں چاہیے زندگی میں. اس کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے, دماغ سے, دل سے بھی ہوتا ہے, دماغ سے بھی ہوتا ہے. تو دل اور دماغ آپ کے دونوں انڈر کنٹرول رہے ہمیشہ ہر معاملے میں. ٹھیک ہے, شادی لو میرج ہوئی, ارینج میرج؟ ارینج میرج, ارینج میرج میری والدہ نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا نہیں مجھے تو دکھا دیں. نہیں دیکھا ہی نہیں آپ, پکی بات ہے, تصدیق کریں گے ہم. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو ویسے مجھے یقین ہے, لیکن پھر بھی ایسے معاملات میں تصدیق کر لینا ہی بہتر ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مزاجن آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا درمیانے, درمیانے مزاج. بہت زیادہ نرمی بھی نہیں ہے, بہت زیادہ سختی بھی نہیں ہے. سختی اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب کام کے حوالے سے, اچھا, جب لوگ کام نہیں کرتے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں, کیونکہ کام جو ہے وہ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ کرنا چاہیے, اور اس کام سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم کام نہ کریں اور لوگوں کا فائدہ نہ ہو, ان کو تکلیف ہو, تو یہ کام, یہ ذرا مشکل ہوگا, اس میں کمپرومائز نہیں. کبھی ایسا تو نہیں لگا کہ کیونکہ میری عادت ہے میں کبھی کچھ چیزوں کو اگنور کر دیتا ہوں تو اس کا مجھے نقصان ہو جاتا ہے, لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں؟ نہیں, ایسا لوگ مجھے صحیح کیلکولیٹ کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا زندگی میں کہ آپ کو بعد میں کسی شخص کا اندازہ ہوا ہو کہ یہ آپ نے مس کیلکولیٹ کر لیا یا اس نے آپ کو مس کیلکولیٹ کر لیا؟ دوسروں کے بارے میں تو نہیں پتا, مگر میں اپنے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک میرے خیال سے میں نے جو بھی فیصلے کیے ٹھیک فیصلے کیے, اور کوئی مجھے مس کیلکولیشن نظر نہیں نظر. کس قسم کے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا پسند کرتے ہیں, اور ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں نظر نہ ہی آئے؟ تو دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو کھلے دل کے ساتھ, ٹھیک, اور وہ تمام چیزوں کو شیئر کرتے, ٹھیک, اور وہ غیبت نہ کرے, غیبت ان سے دوستی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو میری برائی کر رہے ہیں, میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کی کر رہے ہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, تو اس قسم کے لوگوں سے آپ بچ کے رکھتے ہیں؟ پھر میں ملتا نہیں. ملتے ہیں اگر کوئی ورسٹ پوزیشن آ جائے, ملنا ہی پڑ جائے, تو آفت ہی آ گئی, پھر کیا کریں گے, کیا رویہ اختیار کریں گے؟ ملنے کے بعد میں اس کے بارے میں بیان کروں گا. اچھا, کہ آپ کس قسم کی شخصیت ہیں؟ اچھا, آپ کہہ دیں گے, منہ پہ کہہ دیں گے؟ اچھا, مطلب آپ جو بھی اپینین ہوگا وہ منہ پہ کہہ دیں گے. صحیح, اس طرح کی عادت کی کبھی نقصان اٹھایا؟ لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ نقصان اٹھایا, مگر میں نے جو اپنی 30 سال کی لائف گزاری ہے, پریکٹیکل لائف گزاری ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا. ٹھیک, اچھا, بہت سارے عہدوں پہ رہے آپ, سب سے زیادہ مزہ کیا کام کرتے ہیں؟ ڈائریکٹر. ٹھیک, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے میں نے اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کی, میں نے ایڈمیشن کو میرٹ بیس بنایا, اور میرے لیے سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے بچوں کو ان کی قابلیت کے بنیاد پر وہ داخل کیا, اور آج فارغ ہونے کے بعد وہ مختلف مقام پہ موجود ہیں, اور جب بھی مجھ کو ملتے ہیں تو مجھے بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ کون سی سن کی بات ہے؟ میں 2012 سے لے کے 2017 تک ڈائریکٹر ہوں. اچھا, اور نظر بھی آیا ہمیں کہ بہت ٹرانسپیرنٹ پالیسی رہی, اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سارا آن لائن بھی سسٹم تھا. وہی بات دوبارہ کروں گی کہ جب بڑا ادارہ ہوتا ہے, اسپیشلی کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشنس کے لیے بہت پریشر, بہت وی آئی پیز کے پریشر ہوتے ہیں, بیوروکریسی کے بھی ہوتے ہیں, پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں, ہر قسم کے ہوتے ہیں, تو آپ نے ان کو ہینڈل کیا کس طرح, ہینڈل کیا پالیسی؟ میں اصل میں وہ کی پوائنٹ چاہ رہی ہوں آپ سے. پالیسی یہ ہے کہ میرٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ٹرانسپیرنسی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ میرے ایکشن کو جج کریں آن دا بیسس آف دا ٹرانسپیرنسی, ٹھیک ہے.
تو اگر آپ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ان دو معیار کو پورا کرتا ہے تو یقیناً اس کو داخلے ہو جانی چاہیے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ پریشر مطلب بدماشی نہیں چلے گی, پریشر اس وقت بنتا ہے جب آپ کسی کو انڈیو فیور کر دیں. اور جب آپ فیور دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے. مگر اگر آپ اپنے اصول طے کر دیں اور لوگوں کو بیان بھی کریں اور انہیں ایویڈنس کے ساتھ یہ شو بھی کریں تو لوگ مان جائیں. اب تو جب سے وائس چانسلر بنا ہوں زیادہ چائے پیتا ہوں. پہلے میں لوگوں مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ کرٹیسی کے ساتھ چائے بھی پینی ہوتی ہے. اس سے پہلے میں صرف دو دفعہ چائے پیتا تھا, ایک صبح اور ایک شام. اور کوئی ایڈکشن, کوئی اور عادت؟ لیٹ نائٹ یا ارلی رائزر ہیں؟ دیر سے سوتا ہوں اور جلدی اٹھتا ہوں. اچھا. اور الارم جب میں لگاتا ہوں اس سے ایک گھنٹے پہلے اٹھ جاتا ہوں. الارم سے پہلے آپ کا الارم بج جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, زبردست زبردست. یہ جو معاملات ہوتے ہیں جیسے آپ اپنے پروفیشنل لائف میں سخت ڈیسیجن لیتے ہیں, اصولوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں, گھر میں کیسے؟ بہت ہی سافٹ. گھر میں حکومت کیسے؟ بچوں کی, بیگن کی. گھر میں آپ اپنے اصولوں کو توڑتے ہیں یا مضبوطی سے ڈٹے رہتے ہیں؟ دیکھیں, ایڈمنسٹریٹو فیصلے مختلف ہوتے ہیں. بالکل. گھر کے جو اصول ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. ان کے اندر آپ کو سافٹنیس بھی دکھانی ہوتی ہے, بچوں کو لو بھی دینا ہوتا ہے, اور وہ فیل کرے کہ ایز اے پیرنٹس ہم ان کی پرابلم کو سمجھ رہے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. ویسے بھی ہر شریف انسان کو گھر میں ایسے ہی ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے شریف بات. میں نے گھر میں کہا ہے بہت ساری باتیں ہوں گی, اور یہ جو ساری باتیں ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ بہت اچھی ہیں اور گھر میں بہت نرم مزاج ہیں, یہ ساری باتیں بھی ضرور پوچھی جائیں گی اور جب ڈاکٹر صاحب آئیں گے کٹہرے میں, اور ڈاکٹر صاحب کو جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کے سامنے جن کے آگے انہیں صرف سچ ہی کہنا پڑے گا, سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایک چھوٹا سا وقت اور مزید گفتگو, اگلے سال سلور جوبلی. آپ ڈرتی ہیں ان کے غصے سے؟ ذرا سا, میں بھی گھبراتی ہوں. دیکھا, ماشاء اللہ, ڈاکٹر صاحب کو بالکل غصہ نہیں آتا. پہلا تحفہ بھی پرفیوم, گولڈ جیولری کے علاوہ پرفیوم. اچھا, گولڈ جیولری کے علاوہ پرفیوم. پرفیوم تھا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے. جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ہم بات کریں گے, کچھ تصدیق کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب جتنی باتیں کہہ رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو بات بھی ہے اور پروفیشنل بھی, لیکن گھر کے معاملات تو کوئی گھر کا بھید ہی بتا سکتا ہے. تو آئیں ذرا پتہ کرتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں مسز خالد عراقی, اور بھابھی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک شخصیت ہے لیکن آپ کے ساتھ موجودگی یقیناً اس کو مکمل کر دی ہے. کتنا عرصہ ہو گیا شادی؟ ان شاء اللہ اس سال 24 سال. 24 سال, اگلے سال سلور جوبلی. انشاءاللہ ہم سب انوائٹ. بالکل. اچھا, کتنے بچے؟ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں کہہ رہے تھے, میرا خیال ہے کہ اس کی تصدیق اگر آپ سے کریں تو کوئی اور تو آپ سے بہتر بتا نہیں سکتا. شادی کیسے ہوئی تھی؟ لو میرج ارینج میں کریں. پیور ارینج. پیور ارینج مطلب دیکھا بھی نہیں, تصویر بھی نہیں دیکھی, تصویر منگنی کے بعد. اوہو, آپ اتنی معصوم ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا, تو انہوں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی اور آپ نے بھی نہیں کہا کہ مجھے تو دکھا دو بندہ کون ہے؟ دونوں اپنے فیصلے پہ مطمئن ہیں, خوش ہیں؟ الحمد للہ, اندیکھا سودا ہے نا, یہ تبھی لگنے والا ہے ان شاء اللہ. اچھا, گھر میں کیسے ہیں مزاج ان کے؟ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا یونیورسٹی کے یا کہیں کے بھی پرابلمس ہیں یا باتیں ہیں وہ وہیں چھوڑ دیں, وہ گھر میں وہ ٹینشن کبھی نہیں آتی. پروفیشنل اپنے سارے اسٹریس باہر ہی, کچھ گھر کے اندر نہیں.
और वैसे मिजाजन घर में कैसे रहते हैं, गुस्सा आता है, दरमियाना, मतलब देखिए बच्चों के साथ कभी सख्ती भी और एक पेरेंट को थोड़ा सा होना पड़ता है। बिल्कुल, वो तो ठीक है। तो जब दोस्ती का वक्त आता है तो बहुत अच्छी दोस्ती, बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली है, लेकिन बच्चे डरते हैं इनसे ज्यादा, मुझसे कम डरते हैं। आप डरती हैं? इनके गुस्से से जरा सा मैं भी घबराती हूँ। देखा, माशाल्लाह, डॉक्टर साहब को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। अच्छा, घबराती हैं, नाराज हो जाती हैं कभी? बहुत कम कम, बहुत कम। फिर कैसे मनाती हैं आप? मनाती नहीं, इनका इनका ये है, ये कहते हैं अगर मैं गुस्सा हूँ ना मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अच्छा। इनको खुद रियलाइज हो जाता है, खुद सॉरी बोलते हैं, खुद ही ठंडे हो जाते हैं। ठीक, पता चल जाता है कि मैं गलत हूँ। ठीक है, तो इन्हें पता चल जाता है कि मैं गलत हूँ तो ये खुद ही सॉरी कर देते। लड़ाइयाँ होती हैं आपस में? होनी तो चाहिए। लड़ाई तो बजाहिर मैं नहीं कहूंगी उसको, बिल्कुल कोई आर्गुमेंट होता है जी, कभी कुछ आर्गुमेंट वगैरह होता है वो फिर हम लोग बैठ के बात करके उसको सॉल्व कर लेते हैं जी। वो ज्यादा बढ़ता नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे को एडजस्ट कर जाते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। क्या आखिरी तोहफा दिया था, कोई गिफ्ट ऐसा? ये इस बात पे ज्यादा वो करते हैं, कहते हैं जो लेना खुद ले लो, गिफ्ट के उसके मामले में ये बहुत वो है, मुस्तकिल मिजाज है इसका जी। बिल्कुल ठीक है। कोई आदत ऐसी जो आप चाहती हो, आप कहती हो कि भाई खालिद साहब ये आदत बदल गई? सेहत के मामले में अपना ख्याल करना, ख्याल नहीं करते। अच्छा ठीक है। जो सबसे अच्छी बात इन्होंने बताई जी, मैं घर पे बच्चों के लिए कुक। अरे वाह, जबरदस्त, अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छे कुक। लोग सर क्या अच्छी चीज बना लेते हैं? मैं चाइनीज अच्छी बना लेता हूं। ठीक है, बारबेक्यू सोच रहे हैं, सब बनवाएंगे जी। बिल्कुल। अच्छा, बच्चे अक्सर जब भी मैं सैटरडे संडे तो उनके लिए जरूर मैं। ठीक, जबरदस्त। और आपको भाभी के हाथ के क्या कोई स्पेसिफिक कोई डिश पर्टिकुलर पसंद है? माशाल्लाह बहुत कुछ इन्होंने जानते हैं, इनकी अपनी एक दौर में इन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरल स्किल के हवाले से कारोबार। बिल्कुल, और इन्होंने एक और सरप्राइजिंग बात यह है कि भाभी मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं, बहुत अच्छी कुकिंग जानती हैं, करती हैं, लोगों को सिखाती भी हैं। ये आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसको आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? बस मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चे हैं जो है इस एज में है, टीन्स में है, उनको टाइम इस वक्त बहुत जरूरत है। बच्चियों को बात करने के लिए माँ बाप की बहुत जरूरत होती है, जाहिर सी बात है जब फादर मसरूफ हो तो वैसे भी बच्चियाँ तो माँ के ही साथ ज्यादा अटैच होती है। आजकल माशाल्लाह ये बच्चों को सिखा रही हैं, सिखा रही हैं कुकिंग, सिखा रही हैं। ठीक है, शागिर्दी में आना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या इनके लिए कोई वन वर्ड में कोई विश कुछ कहना चाहेंगी डॉक्टर साहब के लिए? ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि वन वर्ड में। अच्छा चलिए एक सेंटेंस में बता दें, एक जुमला बता दें, मजमून ना लिखिएगा बस डॉक्टर साहब के। नहीं बस जो माशाल्लाह दिल लगा के वो इन पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आज। हाँ। जी बस यही कि जो कर रहे हैं माशाल्लाह से वो ईमानदारी के साथ करते रहे, मेहनत से अब तक जहाँ जिस मुकाम तक पहुँचे माशाल्लाह, तो बस इसी तरह मेहनत करते हैं। परवरदिगार और तरक्की दे। बिल्कुल, हमारी भी दुआ यही है। और सर अम्मा के हाथ की चीज़ याद आती है जो कहते हो भाभी को कि ये बना दो अम्मा? ऐसे ना अम्मा एक मीट बॉल बनाती। अच्छा, वो कोफ्ते? कोफ्ते जो कि अब तक मैंने ये भी बनाती है, बहन भी बनाती है, मगर जो वालदा बनाती थी वो मैंने आज तक बोली। अच्छा, पता नहीं वो मियाँ ही बनाती थी, हमारा भी यही मामला है कि जो मेरी वालदा कोफ्ते बनाती थी वो मजा ले जो किसी ने आज तक बना दी है, पता नहीं ये माँ की मोहब्बत। वालिद को किचन में नहीं देखा। अच्छा, वैसे हमने भी नहीं देखा, पुराने अब्बा सब जैसे ही होते थे, कोई नहीं जाता था। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, इतने अच्छे लाइफ पार्टनर, इतने अच्छे बच्चे आपके, अपनी फैमिली के लिए कुछ? मैं सबसे पहले अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे यास्मीन के हवाले से एक वाइफ दी,
और तीन बच्चे हमारे माशाल्लाह सेहतमंद हैं, अल्लाह ने उन्हें सेहत दी और हम सब दोनों की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे बेहतर तालीम हासिल करें और तालीम के साथ हमारी तवज्जो होती है कि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से हम मिल के उनके लिए गाइडेंस करें। एक बेटा और दो बेटियां। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाभी आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और आप लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और सिल्वर जुबली तो छोटी बात है, गोल्डन जुबली करें इंशाल्लाह। नाजीन हमारे साथ मौजूद थी इराकी साहब के साथ साथ उनकी वाइफ भी मौजूद थी यास्मीन भाभी, मज़े के खाने पकाती हैं और मज़े मज़े की बातें करती हैं और बहुत धीमे लहजे में बात करती हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है घर का माहौल भी बड़ा धीमा और पुरसकून है। एक छोटा सा वक्फा और फिर मज़ीद इंडिया में एक सिंगर थी है अभी भी चित्रा, उनको मैंने काफ़ी सुना जल्दी चित्रा से उनको काफ़ी पाकिस्तान में उस्ताद फतेह अली खान उनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। खुशामदेद हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी साहब। इराकी साहब अनोखा सा नाम है आपका, खालिद इराकी, सरनेम इराकी, कुछ इसका बैकग्राउंड आप बताएंगे आप? देखिए इराकी जो है वो एक बरादरी, ठीक है, और हमारे फाउंडिंग फादर्स थे जो आबाओ आबाओ अजदाद थे वो इराक से माइग्रेट करके इंडिया सेटल हुए, ठीक है, और फिर हमने यहाँ एक फैमिली जिसमें हम एक कम्युनिटी के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, अपनी एक पहचान रखते हैं, ठीक है। आपने मुल्क से बाहर भी बहुत सारी रिसर्च वर्क भी किया, एजुकेशन भी ली, बहुत सारे अवार्ड एजाजात आपको मिले, कुछ तफसील अगर आप हमारे साथ शेयर करें। जी ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने रहम किया, मैंने 1994 में मुझे पहला मौका मिला, मैं ऑस्ट्रिया यूरोपियन यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने डिप्लोमा प्रोग्राम किया पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर, फिर मुझे इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम जो कि यूएस डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, मैं अमेरिका मैंने विजिट किया जहाँ हमने 13 रियासतों का विजिट किया और उनके लोकल गवर्नमेंट के हवाले से फॉरन पॉलिसी के हवाले से स्टडीज की मैंने, इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी मैंने काफ़ी वक्त गुजारा। 2015 में मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से HEC की तरफ से मौका मिला जब मैंने ग्लासगो यूनिवर्सिटी से लीडरशिप का प्रोग्राम किया, अच्छा, और फिर 13 के अंदर 2013 से लेके 2016 तक हमने जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के साथ 3 साल हमारे प्रोग्राम रहे हैं जिसके तहत हमने फैकल्टी को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को भी, और 2013 में भी मैंने अपनी एफर्ट्स के जरिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ हमने एक्टिव सिटीजनशिप के साथ प्रोग्राम किया, ठीक है, तो काफ़ी प्रोग्राम सही शुक्र है काफ़ी आपने मतलब दुनिया घूमी और बहुत तालीम और बहुत रिसर्च पे काम किया। इंटरनेशनली मैंने तकरीबन अपने जाती पेपर भी प्रेजेंट किए, अच्छा, जो आखिरी मैंने पेपर प्रेजेंट किया था 2019 में मार्च में बर्लिन में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसी साल की बात, या 2013 के अंदर बर्लिन में मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया, अच्छा, आई वाज ओनली वन जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अच्छा माशाल्लाह, ये एजाज भी आपको हासिल है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने क्योंकि पूरी दुनिया घूमी है, बहुत बड़े बड़े ममालिक और वहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपने तालीम भी हासिल की, रिसर्च प्रोग्राम्स भी किए, बहुत सारी इल्मियत के मामलात भी देखे और सीखे, एक विजन बन जाता है इंसान का, वो हमारे मुल्क में जो निज़ाम तालीम है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, और मैं ज़्यादा बात यूनिवर्सिटी की करूँगी क्योंकि आपकी उसी पे ज़्यादा महारत भी है और गिरफ्त भी है, लोग कहते हैं स्टूडेंट्स में एक वैक्यूम है कि स्टूडेंट यूनियंस नहीं है जिस पर एक पाबंदी तवील अरसे से थी और अभी भी ढकी छुपी यूनियंस हैं लेकिन ऑफिशियल नहीं, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, हेल्दी है तलबा के लिए, या आप समझते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए?
دیکھیں پہلی بات تو طالب علموں کی شمولیت ہونی چاہیے. ٹھیک. اب اس ریپرزنٹیشن کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک. ایک شکل جو ہم اکثر پاکستان میں بات کرتے ہیں طلبہ یونین کے حوالے سے. جی جی. ایک دوسرا ماڈل بھی ہو سکتا ہے. اچھا. جو کہ ہم نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں انٹروڈیوس کیا. اچھا. اور وہ ماڈل ہمارا ہے اسٹوڈنٹ ایگزیکٹو کاؤنسل، جو کہ 2013 سے مسلسل کام کر رہا ہے. اس کا ماڈل ہم نے اسٹرکچر بنایا ہے کہ اس کے سارے عہدیدار منتخب ہوتے ہیں، پریسیڈنٹ، جنرل سیکرٹری اور اس کے نیچے. اور اس کی معیار یہ ہے کہ طالب علم تمام اپنے کورسز کوالیفائی کریں اور باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں، اور الیکشن کے ذریعے وہ ایک کیبنٹ فارم ہوتی ہے، اور پھر ہم ان طالب علموں کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی پروگرام ہے، جو بھی ایکٹیویٹیز ہے، انہوں نے مینج کیا. تو یہ ایک ماڈل ہے. بنیادی عنصر یہ ہونی چاہیے کہ طالب علموں کی نمائندگی لازمی ہے، کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، غیر تدریسی عملہ بھی موجود ہے، اور طالب علم سب سے بنیادی اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو ان کو ضرور شامل کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بیان کر دوں کہ جب سے میں نے چارج کیا ہے 3 مہینے کے اندر، ہم نے اسٹوڈنٹ کراچی یونیورسٹی کے لیول پہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کو پروموٹ کیا، جس میں ہماری ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے، میوزک سوسائٹی ہے، مختلف ایکٹیویٹیز. اور پہلی دفعہ یونیورسٹی کی تاریخ میں کراچی یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے آفیشیل نیشنل سانگ ہم نے ریلیز کیا. جی میں نے دیکھا، بالکل دیکھا. یہ بہت ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے. کیا پولیٹیکلی اسٹوڈنٹس کو پولیٹکس میں یا پولیٹیکل انفلوئنس میں آنا چاہیے؟ دیکھیں ایک دو مختلف باتیں. ایک اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرنا ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اور ایک کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزنٹیشن کا ایک مختلف بات ہے، کیونکہ جب ہم ضیاءالحق کے دور کی جو پابندی ہے وہی پابندی چلی آ رہی ہے، کہ ہم دیکھتے رہے کہ وہ تنظیمیں جن پہ زور دیا جاتا ہے کہ یونین ہو، وہ یہی ہو کہ اگر پیپلز پارٹی کا انفلوئنس ہے تو پی ایس ایف ہو جائے، ایم کیو ایم کا انفلوئنس ہو تو اے پی ایم ایس ہو جائے، اور اگر جماعت اسلامی کا انفلوئنس ہے تو جمعیت. مگر میرا اس پہ یہی سوال ہے کہ وہ کتنے پورشن آف دی اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ وہ جو میجورٹی اسٹوڈنٹس ہیں ہمیں ان کے اوپر فوکس کرنا، زیادہ تر وہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کلاس روم میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور جو دوسری چیز ہمیں توجہ دینی چاہیے، جو کہ شاید گریجولی کمی واقع ہو گئی ہے، ہم ایز اے استاد طالب علموں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. وہ شاید کنیکشن ختم ہو چکا ہے، ہم شاید صرف کلاس روم تک محدود ہو گئے ہیں، جو کہ صرف ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. جب میں طالب علم تھا تو ہم اپنے اساتذہ سے ان کے کمروں میں جا کے ملتے تھے، مختلف ایشوز کے اوپر بات کرتے تھے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، کیریئر کاؤنسلنگ بھی ہوتی تھی. تو ایک استاد ہونے کی حیثیت سے صرف ہماری ٹائمنگ 10 سے 12 نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہمیں وہ جو ہے غیر تدریسی عملے کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک پروفیشن ہے، جو کہ بہت ہی اہم پروفیشن ہے، جس میں ہم جو آئندہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ہم ان کو بنا رہے ہیں. تو جب آپ ایک نسل بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کی نگہداشت کیسے کرنی ہے، ان کی کیئر کیسے کرنی ہے، تو اگر ہم نے اس کے اوپر توجہ دی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری جو نسل ہے، جو نوجوان ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے. بالکل. اچھا گانے سنتے ہیں؟ کم سنتا ضرور. کس قسم؟ کس موڈ؟ کلاسک. انڈیا میں ایک سنگر ہے ابھی بھی، چترا، ان کو میں نے کافی سنا. چترا پاکستان میں استاد فتح علی خان صاحب، ان کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں. نصرت فتح علی خان صاحب پسندیدہ ٹریک جو آپ گاڑی میں جا رہے ہیں ڈرائیو کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں. بس میں جب کوئی اوکیزن ہوتا ہے تو بیٹھ کے سن لیتے ہیں. ہمارے ہاں جی اتفاق سے ابھی 2 مہینے پہلے مجھے ایک پروگرام تھا جس کے اندر ہمارے دوست ہیں، دوست تو نہیں میرے بزرگ ہیں، حسیب خان صاحب. جی بالکل. تو انہوں نے ماشاء اللہ ایک محفل سجائی جس پہ انہوں نے خود بھی گنگنایا اور ان کے بچوں نے بھی گنگنایا. وہ بہت ہی امپریسو زندہ دل شخصیت. اچھا جب بات زندہ دلی کی آتی ہے تو میں دیکھتے ہیں کوئی مووی
कभी देखी हूँ टीन एज में देखी हूँ, कभी फुर्सत मिली हो, ये शौक ही नहीं है। मुझे याद है मतलब पूरी लाइफ के अंदर अगर सिनेमा हॉल में मैं गया हूँ तो एक दफा गया हूँ सिनेमा हॉल में, कैप्री सिनेमा में। अच्छा, 1980 की बात होगी। अच्छा, उसके बाद कभी उसके बाद कभी नहीं गए। ठीक है, घूमने फिरने का सैयाह बहुत शौक है, बहुत शौक है, दुनिया घूमनी है, दुनिया घूमी है, पाकिस्तान घूमा है। मुझे याद है कि जब मैं पहली दफा उस्ताद अपॉइंट हुआ था एज अ लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, तसल्लुक के साथ हम स्टूडेंट्स को पाकिस्तान टूर पे लेकर जाया करते थे। तो पूरा पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान पूरा देखा और फिर मौका भी मिला है कि बाहर ममालिक भी गया हूँ। उस हवाले से मुझे नॉर्वे बहुत पसंद है। जिंदगी में कोई पछतावा है? नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। रिग्रेट इसलिए नहीं है कि जो कुछ अल्लाह मियाँ आपके बारे में सोचता है आपको वही मिलता है, और आपको मेहनत करनी चाहिए और मेहनत के बगैर कोई चीज हासिल नहीं होती। कोई ख्वाहिश है ना तमाम? ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मियाँ अगर मुझे जो भी इख्तियार दे, मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर काम। मुल्क की बात आई तो हम जिस शहर में बैठे हैं, जिस शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को आप इस वक्त हेड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस शहर के हवाले से और मुल्क के हवाले से? शहर के हवाले से मुझे दुख होता है, और दुख इस बात कि इस शहर की ओनरशिप नहीं। सही। जब आप शहर को ओन नहीं करते तो मसाइल का अंबार होता है, और अभी जो मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं कि जी इस शहर की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, सेहत के मसाइल हैं, तो मैं सियासत से बालातर होकर ये समझता हूँ कि कराची इतना बड़ा शहर है, ये कोई एक सतह की हुकूमत कराची के मसाइल हल नहीं कर सकती। मेरी ख्वाहिश होगी कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, और इसके साथ साथ हम एज ए कम्युनिटी उसमें शामिल हों। तो जब हम चीज़ों को शेयर करेंगे तो मैं कोई वजह नहीं कि हम इस कराची शहर को दोबारा खूबसूरत बना सकते, और ये अल्लाह का शुक्र है कि कराची में अमन है। 2013 के बाद कराची, जब जो कि एक दौर में रोशनियों का शहर कहलाता था, आज माशाल्लाह शहर काफी पुरअमन है, और इसमें अक्सर हम मुख्तलिफ लोगों को क्रेडिट दे रहे होते, मगर मैं समझता हूँ कि हमें रेंजर्स को और सिंध गवर्नमेंट को जरूर क्रेडिट देने चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बातें बहुत ही आपकी शख्सियत के हवाले से, आपके कामों के हवाले से, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी साहब, और इस शहर का दर्द हर इस शहर में रहने वाला और हर मुल्क का शहरी ज़रूर महसूस करता है। बात सच है कि इस शहर को ओन कोई नहीं करता, अपनाता कोई नहीं। ये एक ऐसी माँ है जो सबको पाल रही है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए उसका कोई सबूत आगे नहीं बढ़ रहा। ये मामला क्या है, ये गुत्थी कब सूझेगी, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। बस दुआ यही है कि इन मामलों को बेहतर और खुशसलूकी के साथ अंजाम दिया जाए, और इस शहर को ख़ास तौर पर सफाई के हवाले से, यहाँ के जो भी इंतज़ामी उमूर हैं उसके हवाले से, और यहाँ की आवाम के हवाले से कुछ बेहतरी लाई जाए, कुछ प्रोजेक्ट्स लाए जाएँ, और आपस में जो इस वक्त एक बाजार गर्म है सबकत ले जाने का, सबकत ना ले जाएँ, काम करें। और आखिर में इफ्तिखार आरिफ के इसी शेयर पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उगदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।